हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो मैच होगा, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का तीसरा टी20 मैच होगा। इस मैच में देखा जाएगा, ये मैच हरारे का स्पोर्ट क्लब पर जहाँ पर मैच हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, सारे मैच यहीं, पांचों टी20 मैच यहीं पे है। यहाँ का एवरेज स्कोर मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ थोड़ा टॉस जो जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करेगा, वो टीम जीतने का चांसेस ज़्यादा है। शुभमन गिल ने पहले मैच में फील्डिंग लिया, हार गए। दूसरे मैच में उसको गलती को दोहराया नहीं, टॉस जीता और बैटिंग किया। देखें, एवरेज बहुत अच्छा गया, 200 क्रॉस किया है और यहाँ का एवरेज 160 से 180 मीन्स की बैटिंग पिच है, 160 प्लस हो जाता है तो थोड़ा सा बैटिंग पिच मान सकते हैं जेंट्स के गेम में। और यहाँ पर थोड़ा सा हिट जो है लेग साइड में, थोड़ा सा बाउंड्री थोड़ा सा स्मॉल है, लेफ्टी बल्लेबाजों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आज का जो मैच होगा उसमें इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा की ओपनिंग कौन करेगा। यशस्वी जायसवाल करेंगे, अभिषेक शर्मा करेंगे, आपको शुभमन गिल करेंगे, ऋतुराज गायकवाड करेंगे, क्योंकि आपको जो है ना आज पेच फंस गया है, क्योंकि तीन जो प्लेयर जो पहले और दूसरे टी20 मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे आज उपलब्ध हैं। यशस्वी जायसवाल उपलब्ध हैं, संजू सैमसन उपलब्ध हैं और शिवम दुबे उपलब्ध हैं। अब देखा जाएगा कि इसमें कौन सा चेंजिंग हो सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओपनिंग पेयर के लिए है, क्योंकि ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल अगर फिट बैठते हैं तो अभिषेक शर्मा को बैठना पड़ेगा, शुभमन गिल को नीचे डाउन पे आना पड़ेगा। अगर हम देख लेते हैं तो दोनों का प्लेइंग 11 में, सबसे पहले इंडिया का ही बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा अपना जो ओपनिंग है पेयर नहीं है छोड़ना चाहेंगे, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रहेगा। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे, उसके बाद फिर संजू सैमसन फर्स्ट या सेकंड डाउन पे आ सकते हैं, उसके बाद रिंकू सिंह, उसके बाद फिर रियान पराग, फिर शिवम दुबे निचले क्रम में, शिवम दुबे को पिच हिटर के रूप में, फिर वह स्पिनर वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मुकेश कुमार। अब यशस्वी जायसवाल का मैंने 12वां प्लेयर में नाम दिया है, कि हो सकता है किसी प्लेयर को हटाया जा सकता है लेकिन ओपनिंग साझेदारी को चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल का इस टीम में जगह आज नहीं बन पा रहा है तीसरे टी20 के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में भी देखा जाएगा तो ओपनिंग साझेदारी में आई किया जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बैटिंग बहुत अच्छा करते हैं नो डाउट, लेकिन हमारे ख्याल से यही सेम प्लेइंग 11 होना चाहिए उनका भी। मधुवीरा, बीनेट, डी मायर्स, सिकंदर राजा, जे कैम्बेल, एम मस्कज्जा, जोंगवे, मुजरवानी, सीमेंडे विकेट कीपर, टी चतारा। मींस कि देखा गया सिकंदर राजा अगर मैच नहीं चलते हैं तो जिम्बाब्वे थोड़ा सा आपको बॉलिंग में विकेट नहीं लेता है तो बहुत ज़्यादा विपक्षी टीम रन मार देता है, अगर ये रन नहीं मारते हैं तो टीम 150 का भी आंकड़ा नहीं पार करता। इस तरह से देखा जाएगा तो जिम्बाब्वे टीम जो है सिकंदर राजा पर बहुत ज़्यादा ही निर्भर हो गया है। अभी बात कर लेते हैं थर्ड टी20 मैच में जब पिच बैटिंग है तो जो टीम टॉस जीतेगा उसके जीतने के चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर मान लिया कल जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करता है तो उसका स्कोर 200 पार नहीं करेगा लेकिन 160 के करीब में पहुंचेगा और वो थोड़ा सा विपक्षी टीम जो इंडिया है बाद में बल्लेबाजी करने आएगा तो उसमें उसका विकेट गिरने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन बल्लेबाजी हम लोग का जो है गहराई जो है आपके 8 से 9 नंबर तक बल्लेबाजी गहराई है। पहला टी20 को छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये नहीं लगता है कि आपको ये टी20 मैच इंडिया हारेगी। मेरे ख्याल से इंडिया आज भी फेवर करेगी और मेरे ख्याल से ये मैच भी अच्छे मार्जिन से जीतेगी या अच्छे विकेट से जीतेगी। अगर रन से जीतेगी तो अच्छे मार्जिन से, विकेट से जीतेगी तो मेरे ख्याल से 5 से 6 विकेट के ऊपर से जीतना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, हम लोग को उससे मतलब नहीं, हम लोग को तो ड्रीम टीम से मतलब है कि कौन सा प्लेयर जो है अच्छा बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा उसे ही हम लोग को अपनी टीम में रखना है इस टी20 मैच में, जिससे कि हम लोग ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं बॉलर के रूप में, बॉलर, क्योंकि यहाँ जो इस पिच पे जो है बॉलिंग बहुत ज़्यादा कारगर है। तो बॉलिंग में देखिएगा कि वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई, ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं। रवि पिछले मैच में भी रवि बिश्नोई ने अच्छा खासा पॉइंट दिया था और वाशिंगटन सुंदर ने भी पॉइंट दिया था, दोनों ड्रीम टीम के हिस्सा थे वाशिंगटन सुंदर। तीसरा प्लेयर आवेश खान और मुकेश कुमार, ये दोनों अगर पहले गेंदबाजी करेंगे तो ये दोनों को नहीं रखना है, खाली ये ध्यान देना है कि अगर जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करता है तो आवेश खान मुकेश कुमार में से सिर्फ मुकेश कुमार को रखना है। अगर इंडिया गेंदबाजी बाद में करता है तो ये आपको चारों बॉलर इंडिया के आपके रहेंगे आवेश खान, सिर्फ यही ध्यान देना है मुकेश कुमार और आवेश खान का, कि अगर गेंदबाजी इंडिया पहले करती है तो मुकेश कुमार रहेंगे, आवेश खान नहीं रहेंगे। अगर बाद में गेंदबाजी करती है इंडिया तो ये आपके चारों प्लेयर रहेंगे, चौथे हो गए। पांच में आप बात कर लेते हैं इधर से, देखिएगा कि इधर से जो है आपका डब्लू मधुवीरा पिछले मैच में थोड़ा बहुत स्कोर किया था, आई किया ने स्कोर नहीं किया है। अगर पहले बल्लेबाजी आता है तो फिर मधुवीरा को हम लोग अपनी टीम में रख सकते हैं, डब्लू मधुवीरा या उसके जगह पर बी बेनेट को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में से एक ही प्लेयर को आप रखिएगा। मेरे ख्याल से आप बी बेनेट के साथ जाइएगा, बी बेनेट जो है आपके पांचवें प्लेयर हो जाएंगे। छठे प्लेयर में देखिएगा डी मायर्स उतना ज़्यादा चले नहीं है। सिकंदर राजा को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर पहले इंडिया बल्लेबाजी करता है तो सिकंदर राजा को नहीं रखना है, अगर इंडिया बाद में बल्लेबाजी करता है तो सिकंदर राजा को रखना है। छठा प्लेयर सिकंदर राजा, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर।
कि अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है तो सिकंदर राजा को हम लोग अपनी टीम में नहीं रखेंगे, बाद में बल्लेबाजी करता है तो सिकंदर राजा को अपनी टीम में रख सकते हैं। मस्कादजा नहीं, जोंगवे, ये विकेट जो है आपके तीन बॉलर जो हैं जोंगवे, मुजरवानी और चितारा, ये देखिएगा थोड़ा सा जो है आपको इस तीनों में से किसी एक ही को रखना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से बी मुजरवानी जो हैं अपने मैच में हमेशा विकेट निकाल रहे हैं, तो बी मुजरवानी के साथ जाना पड़ेगा। 8, 9, 10, 11 ये चार जो है इंडिया का टॉप क्रम के बल्लेबाज रहेंगे। जो ओपनिंग करने के लिए आएंगे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल आज के मैच के लिए मेरे ख्याल से कैप्टन के प्रबल दावेदार होंगे, दो मैच से चले नहीं हैं। अभिषेक शर्मा अच्छा खासा स्कोर करेंगे जिससे ड्रीम टीम का हिस्सा बनने का चांसेज है अभिषेक शर्मा का। अगर उनके जगह पर आप आर गायकवाड़ को भी रख सकते हैं, ये दोनों में से किसी एक के साथ ही जाइएगा क्योंकि दोनों के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। दसवां में देखिएगा आपका संजू सैमसन निचले क्रम में आएंगे, संजू सैमसन और रिंकू सिंह। अब ये दोनों का बात है कि रिंकू सिंह और संजू सैमसन दोनों को क्यों रखें, क्योंकि अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं बाद में बल्लेबाजी करता है, इन लोग का बैटिंग आएगा ही आएगा और ये लोग कम बॉल पे ज़्यादा रन मारेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर संजू सैमसन को रखते हैं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को रख लीजिएगा, सिर्फ एक ही डाउटेड प्लेयर है संजू सैमसन, इसके जगह पर अभिषेक शर्मा ऋतुराज गायकवाड़ को देख लीजिए, सिर्फ डाउन का चेंजेस है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ सेकंड डाउन थर्ड डाउन आते हैं कब डाउन आते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट डाउन आते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे अभिषेक शर्मा के साथ। इस तरह से जो है आपका प्लेइंग 11 में मेरे ख्याल से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए था। पिछले मैच में मैंने बताया था सिकंदर राजा सबसे बड़ा सिकंदर राजा का गेम में है, सिकंदर राजा अगर बाद में बल्लेबाजी करते हैं तो आप सिकंदर राजा को नहीं रखना है। अगर पहले बल्लेबाजी जिम्बाब्वे का आता है तो सिकंदर राजा को रखना है, क्योंकि वो बॉलिंग भी लेंगे और विकेट भी लेंगे, तो ये प्रबल दावेदार हो जाएंगे। इस तरह से देखिएगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन के शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, आपको रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर। इस तरह से देखिएगा तो ये इतने प्लेयर जो हैं आपको जो ग्रैंड लीग के लिए और स्मॉल लीग दोनों के लिए यही सेम प्लेइंग 11 होगा और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं।